अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे? छोड़ उसको। मुझे छोड़ दीजिए। घर से भाग। तो मैंने उनसे मास्टर जी तो, यहाँ पर वही जॉन करते हैं ना जिनका शरीर शेप में नहीं होता है। पहली बार एकदम फिट, एकदम ग्रिप, एक लड़की अपने जिम में आई है। अबे क्या बोल रहा है बे? उसे जो कोई भी देखेगा ना उससे पहले नजर में प्यार कर बैठेगा। हेलो, सर का नाम है वेलू और काम है जिम मास्टर। और इनका पैर पकड़कर आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद। छोड़ छोड़ छोड़। पैर पढ़ने को बोल रहे हो? वैसे पैर कहाँ है? पैर शूज के अंदर है। पहले उसे बाहर निकालो। ए, सर का पैर निकाल रहे क्या? अरे शूज से पैर निकाल। मास्टर जी सिखाइए इन्हें। ये पहले फ्रंट में आने का और फिर बैक जाने का, फिर दोबारा फ्रंट में आने का और दोबारा से बैक जाने का, फिर से दोबारा से फ्रंट में आने का, फिर से बैक जाने का। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे टच क्यों किया? इसको टचिंग नहीं, टीचिंग क्या है? आप टच किए बिना
सिर्फ मुंह से बोलिए, हम पिकअप कर लेंगे। हेलो, आप जैसी लड़कियां जिम क्यों आती हैं सब जानता हूं। ताकि 10-15 लड़के आपके पीछे पड़ जाएं, इसलिए बॉडी डेवलप करने आते हैं। हेलो, आपकी खूबसूरती देखकर 3-4 लड़के पागल हो जाएं, इसलिए फिट बनना है। क्या कहा? अपनी खूबसूरती से 2-3 लड़के को मारने का इरादा है, इसलिए आती हूं ना ऐसे अदा दिखाने अपनी। देखिए, मैं जिम इसके लिए नहीं आती हूं। हेलो, लड़के जिम आते हैं सिक्स पैक के लिए और लड़कियां आती हैं सेक्सी फेस के लिए। हेलो, रामविलास पासवान को जानते हैं? हम लोगों को पुश वॉश पता है, ये पासवान क्या है? वो मेरे पापा है। बाप रे, वो कौन है पता है? अभी बताया तो पापा है आपके। कमिश्नर ऑफ पुलिस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ममता बैनर्जी को जानते हो? मुमताज को जानते हैं। ममता जी कौन है? वो मेरी माँ है, हाई कोर्ट क्रिमिनल जज। कहानी सुना रही है? ये तेरे लिए रील है, लेकिन उनके लिए रियल। ऋतिक रोशन को जानते हो? वो मेरा भाई है, वेलैयप्पा कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज चेयरमैन। अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना, तुम्हारी हड्डी पसली एक करके पुत्तूर पार्सल कर देंगे। क्या पुत्तूर? लेकिन वो कहाँ है? चित्तूर के पास। और ये चित्तूर कहाँ है? पुत्तूर के करीब। फिर ये चित्तूर पुत्तूर किधर है? पास पास में है। अच्छा, ऐसा है क्या? ए जिम, अगली बार से चुप रहना। चलो। सर प्लीज एक पोज। सर, यहाँ पर इतनी मशीन होने के बाद भी आप सोलो वर्क कर रहे हैं, क्यों? यहाँ पर सारी मशीनों से एक्सरसाइज करते करते मेरा शरीर भी मशीन बन गया है भाई। एकदम मशीन की तरह है, और आप आसिफ की तरह है। भाई लोहे की तरह है, आप गन्ने की तरह। भाई एक शेर जैसे हैं। मैंने आज से पहले बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मर्द को देखा है, लेकिन आज पहली बार इस तरह फिट बॉडी को देख रही हूँ। क्या बॉडी है आपकी! अरे अरे, बचाओ बचाओ, अरे उतार इसे जल्दी। भाई के लिए ये सब अगरबत्ती की तरह है, और आप एक मोमबत्ती जैसी हो। तू रस्सी के धागे जैसा है, और अर्नाल्ड की तरह बिल्डअप दे रहा है। कहाँ है तेरा मास्टर? यस, इतना जल्दी क्यों बुलाया मुझे? ये कौन है? अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है, मेरी डेवलप की हुई बॉडी है। कैसा लग रहा है? तो फिर ये कौन है? ये सब क्या है? जिम चला रहे हो या 10 अवतार फिल्म बना रहे हो? गेटअप डाल रहे हो गेटअप? हाँ, ए शर्ट उतार। क्यों उतारूं? तेरी बॉडी ओरिजिनल बॉडी है, मेन बॉडी है या कार्ड बॉडी है, वो देखना है। चल दिखा बॉडी। उसने शूज निकालने के लिए बोल रही थी, आज शर्ट निकालने के लिए बोल रही है। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी ये। अरे जो भी करना है करने देना, तुझे क्या मतलब है? अभी उतारोगे तो शर्ट उतारनी पड़ेगी। अगर मेरा बाप आ गया तो शर्ट भी उतारनी पड़ेगी और पैंट भी। फिर तुम्हारा पोज चड्डी पोज होगा। शी, मुझे तो शर्म आ रही है, जाने दो ना। क्या इसको शर्म आ रही है? हाँ, क्या चाहिए तुम लोग को? बस शर्ट ही उतारनी है ना मुझे। हाँ, इतना ही। गुड। ओके, ओरिजिनल बॉडी है इसकी। हेलो हेलो, कहाँ हो आप? हाँ पापा, बोलिए पापा। पापा, क्या आपने उस बम मुर्गेशन को एनकाउंटर में गोली मार दी? मैं आश्रम से गीता बोल रही हूँ। क्या पापा, आपके लिए तो आजकल एनकाउंटर टिकट काउंटर जैसा हो गया है। आप लोगों को गोली मार रहे हो और उधर माँ, मैं बोर हो गई हूँ। तुमसे बात करके पागल हो जाऊंगी मैं। क्या, मैं क्यों होटल जाऊंगी? यहाँ पर एक लड़का है, हाँ उसे भिजवा कर मंगवा लेती हूँ। बिल ना, वो दे देगा। बाय बाय। अच्छा सुन, तू एक काम कर, यहाँ से सीधा होटल जाकर 4 मुर्गी की बिरयानी लेकर आ। आप सबके लिए लेकर आनी है क्या? सिर्फ मेरे लिए। ए, तुम लोगों को जो जो चाहिए ऑर्डर कर दो। मुझे शुतुरमुर्ग बिरयानी, एक पनीर बिरयानी, शुतुरमुर्ग बिरयानी, एक केकड़ा बिरयानी। सुनिए, केकड़े की बिरयानी नहीं मिलती यहाँ पे, तो तुम बना लाओ ना।
तुम्हें भी बिरयानी चाहिए क्या? अच्छा सुनो, तुम्हें अगर भूख लगी हो तो लेमन राइस खा लेना, ठीक है? इस संगीत समारोह का आयोजन करने वाले लक्ष्मण श्रुति और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का इस करप्पन अनाथ आश्रम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस संगीत कार्यक्रम से इस अनाथ आश्रम को काफी धन मिला है। इसका श्रेय जाता है हमारे आश्रम में रहने वाली प्रियंका को, जिनका परिचय अब हम आपसे करवाएंगे। प्रियंका, अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? सबको मेरा प्रणाम। अनाथ आश्रम में इस लड़की का क्या काम है? 15 साल से मैं इसी अनाथ आश्रम में पल रही हूँ। जब मैं 1 साल की हुई, मैंने अपने पापा को खो दिया। मेरे पापा कौन है पता है? राम विलास पासवान, कमिश्नर ऑफ पुलिस। अरे रुक ना यार, रुक जा, बहुत लेट गुस्सा कर रहा है तू। पापा के गुजरने के 2-3 साल बाद माँ मुझे छोड़कर चली गई। ममता बैनर्जी को जानते हो? वो मेरी माँ है। अरे रुक जा। मेरा भाई बहन कोई नहीं है। ये गांधी कॉलेज ही है ना, इसने तो महात्मा गांधी कॉलेज बताया था, कुछ तो गड़बड़ है। वो बात तू आज बता। बेचारा मासूम लड़का बेवकूफ बन गया। हम जैसी अनाथ लड़कियाँ ये सोचती है कि जिस घर में उनकी शादी होगी वो बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए, बहुत सारे रिश्तेदार होने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों का है।